एक दो तीन चार पाँच छः, एक साइड छः चक्का है लगा हुआ, बहुत ही गंभीर कंडीशन है। यहाँ पे इस पिलर के पास पाइलिंग किया जा रहा है, देख पा रहे होंगे, और पाइलिंग वाले भैया जो है देखिए कैसे पाइलिंग होता है देख। और गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, देख पा रहे होंगे पैदल पुल। तो एक पुल यहाँ पे बनाया जा रहा है, इसके बाद एक पुल को और निर्माण कराया जाएगा। फर्मा यहाँ पे बन भी गया है, देख पा रहे होंगे बन, उनके पिछले वाले ब्लॉग में ही आप लोग को इस फर्मा के बारे में बताए थे। सोच सकते हैं कि ये जो ब्रिज है उतना 18 चक्का 22 चक्का इस पर ट्रक चलने वाला है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है। ब्यूटीफुल पीपल की हलचल, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं गाइस कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं खगड़िया बलवाही ब्रिज जो बन रही है उसका अपडेट लेने के लिए, उसका जानकारी लेने के लिए। सो गाइस आप लोगों को आगे दिख रहा होगा कि बलवाही पुल है, उसका एक ब्लॉग पहले ही आ चुका है, तो उससे रिलेटिव कि आज कितना काम हुआ है वो चीज़ इस साइड से देखेंगे। और गाइस आगे भी हम लोग चलेंगे, उस साइड से भी हम लोग देखने को हम लोग को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या अपडेट है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाइलिंग का जो काम हो रहा था एक पिलर का, तो वो जो है पाइलिंग का काम देख पा रहे हैं अभी भी किया जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा हम आप लोग को जूम इन करके दिखाते हैं गाइस, देख पा रहे हैं वहाँ पर पाइलिंग का काम अभी किया जा रहा है। तो गाइस चलिए ब्रिज के ऊपर से हम लोग पाइलिंग का जो काम है वो देखेंगे कि कैसे किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं। बता दूं कि जो बलवाही पुल का जो काम हो रहा है, देख पा रहे होंगे कि एक दो तीन चार पाँच छः, एक साइड छः चक्का है लगा हुआ, तो टोटल हो गया है 18 चक्का गाइस। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा जो गाड़ी इस ब्रिज पे से जाती है, तो आप लोगों को बता दें कि कंडीशन क्या है ब्रिज का, बहुत ही गंभीर कंडीशन है। देख पा रहे होंगे कि 2400 घंटा इस पे है ना, बड़ा वाला जो गाड़ी है वो चलते रहती है, जिस कारण से ये ब्रिज जो है वो डैमेज हो चुका है। तो गाइस आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे रुक के पाइलिंग का काम दिखाता हूँ, उसके बाद आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसे पाइलिंग हो रहा है। तो चलिए पहले पाइलिंग का काम देखते हैं। तो गाइस देख पा रहे होंगे कि पाइलिंग का जो काम है वो किया जा रहा है, तो आप लोग को थोड़ा सा जूम इन करके दिखाते हैं कि किस पिलर पे पाइलिंग किया जा रहा है। देख पा रहे होंगे गाइस कि यहाँ पे इस पिलर के पास पाइलिंग किया जा रहा है, देख पा रहे होंगे, और पाइलिंग वाले भैया जो है देखिए कैसे पाइलिंग होता है, देख पा रहे होंगे। सिर्फ अभी एक पिलर ही बचा हुआ है, देख पा रहे होंगे ये वाला पिलर ही बचा हुआ है, एक दो और तीन, ये तीन पिलर का जो पाइलिंग का काम है वो पूरा फाइनल कर लिया गया है, सिर्फ बचा हुआ है इस पिलर का पाइलिंग करने के लिए जो कि अभी हो रहा है, देख पा रहे होंगे। बता दूं कि देख पा रहे होंगे कि जितना भी पुल का काम बचा हुआ था, देख पा रहे होंगे वो फाइनल कर लिया गया है, देख पा रहे होंगे वहाँ पे जो पिलर का काम बचा हुआ था वो भी देख पा रहे होंगे पिछले वाले ब्लॉग में, ये मेटल वगैरह सब नहीं लगाया गया था, अभी वो पूरा फाइनल कर लिया गया है, देख पा रहे होंगे। अभी वहाँ पे कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, तो उधर भी हम लोग चलेंगे, और इधर देख पा रहे होंगे पूरा पाइलिंग वगैरह सब किया जा रहा है, कम्प्लीट हम लोग मान सकते हैं कि इधर है। तो चलिए हो सकता है कि जल्द ही इस पिलर को भी ढलाई मतलब पाइलिंग करके उसके बाद इस पर कंक्रीट डाल के इसे ऊपर भी उठाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। पुल के ऊपर से नीचे कूड़े ना फेंके, मतलब ऐसा सब यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है। और गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, देख पा रहे होंगे पैदल पुल, लेकिन फिर भी जो है पब्लिक वो इधर से उधर जा रही है, देख रहे होंगे। तो अभी हम लोग उस पुल में डैमेज कितना ज़्यादा डैमेज हुआ पड़ा है इस ये ब्रिज, तो यही सब कारण है जो कि नया ब्रिज को यहाँ पे बनाया जा रहा है। इधर भी देख पा रहे होंगे डैमेज, तो एक पुल यहाँ पे बनाया जा रहा है, इसके बाद एक पुल को और निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि ये जो रोड है NH 31 से 4 लाइन बनाया गया है, सिर्फ उधर से पूरा जो है बेगूसराय से आगे आप लोगों को लक्खीसराय बोल सकते हैं मोकामा तक जो है 31 वो पूरा आप लोगों को फाइनल देखने को मिल जाएगा 4 लाइन। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी कि पिछले वाले ब्लॉग में जितना भी हम काम बताए थे उतना ही काम अभी हुआ है, और पिछला वाले ब्लॉग जो है उसमें यहाँ पे देखने को मिला था हम लोगों को कि पिलर जो वहाँ पे आप लोग वीडियो में देखे कि पाइलिंग किया जा रहा है, और पाइलिंग के बाद जो मटेरियल जो डाला जाएगा तो उसमें जो मेटल जो यूज़ किया जाएगा उसका देख पा रहे होंगे फर्मा यहाँ पे बन भी गया है, देख पा रहे होंगे बन, उनके पिछले वाले ब्लॉग में ही आप लोग को इस फर्मा के बारे में बताए थे, और देख पा रहे होंगे यहाँ पे
तो ये सारा इतना सारा जो काम है वो फाइनल किया गया है। गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो मेटल है, आप लोगों को बता दे, देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा राउंडिंग किया गया है मेटल। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ये वजनदार है भाई, और सोच सकते हैं कि ये जो ब्रिज है उतना 18 चक्का 22 चक्का इस पर ट्रक चलने वाला है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है सोच सकते हैं उतना ही ज़्यादा इसमें मजबूती भी दिया जाएगा। यहाँ पे जो पिलर में वहाँ पे देखिए कि पाइलिंग किया जा रहा है, उसके बाद उसमें मटेरियल को भरा जाएगा, ढलाई वगैरह सब किया जाएगा, तो उसका ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे तैयारी किया जा रहा है। इस पिलर का जो काम है देख पा रहे होंगे इस पर जो मेटल लगाने की, इसके बाद इस पर ढलाई जो किया जाएगा, तो उससे पहले सेंटरिंग बांधा जाता है, देख पा रहे होंगे सेंटरिंग किया जा रहा है। अब इस पर जो है वो पिचिंग का जो तैयारी है, ढलाई का जो तैयारी है वो किया जाएगा। देख पा रहे होंगे पूरा एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही तेज़ी से इस ब्रिज का जो काम है वो किया जा रहा है। तो थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि जो पुराना वाला पुल है उसका जो पिलर है वो सब आप लोग को दिख रहा होगा कि एकदम नया ही है, पर ऊपर का जो पार्ट है जो पिचिंग का, जो हम लोग बोल सकते हैं छत जो है, वो छत ही पूरा डैमेज हो चुका है, जिस कारण से उसे डैमेज ही घोषित कर दिया गया है। उसे रिपेयर ना करके अब इस पर एक नया पुल बनाया जा रहा है, और 100-150 मीटर हट के एक और पुल को निर्माण कराया जाएगा। देख पा रहे होंगे पूरा यहाँ पे फाइनल कर लिया गया है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, मिलेंगे अगले वाले ब्लॉग में जो रहेगा, तो जहाँ पे पाइलिंग किया गया है वहाँ पे हम लोग जाके उसको बेहतर से देखेंगे कि कैसे पाइलिंग हो रहा है। तो होप करते हैं गाइस की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्यार से एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। और गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस न्यूज़ आप देख पा रहे हैं तो आप अपने सख संबंधी दोस्तों वगैरह को सारा को शेयर करें, ताकि आपसे आपके थ्रू मतलब आपके द्वारा ही आप लोगों का जो सख संबंधी है दोस्तों इस जानकारी का लाभ उठा पाए। तो होप करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलेंगे ऐसा एक मस्त वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।